मारुति सुजुकी अल्टो 800 है फ्रेंड्स, और इस गाड़ी के अंदर पावर विंडो का प्रॉब्लम है। जो लेफ्ट साइड का डोर है उसका विंडो अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इग्निशन ऑन है और यहाँ से मैं बटन को नीचे की ओर करता हूँ तो यहाँ पे विंडो में कोई हिलचाल नहीं है फ्रेंड्स, कोई मूवमेंट नहीं है। और हल्का सा स्विच भी दबाने से हमें मालूम रहता है कि स्विच में थोड़ा सा दिक्कत है या नहीं। अब मैं अप करता हूँ तो यहाँ से आपको शायद कैमरे में सुनाई दे और दिखाई दे, यहाँ से मशीन थोड़ा अप जाने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो पूरा क्लोज है इसलिए नहीं जा सकता, लेकिन हिलचाल दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हिलेगा यहाँ से विंडो, तो मोटर का नॉइज भी आ रहा है और मोटर अप जा रहा है लेकिन डाउन नहीं हो रहा है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे आपको वायर का सॉकेट निकाल के सीरीज बल्ब लगा के दिखाता हूँ करंट आता है या नहीं, ठीक है। तो पावर विंडो का जो मशीन में फ्रेंड्स एक कपलर रहता है, वो कपलर हमें निकालना है। वो कपलर इस तरीके का रहेगा और यहाँ पे मशीन है उसका पावर विंडो मोटर, तो मैंने निकाल के वहाँ पे सीरीज लगा दिया बल्ब। और दूसरा तरीका ये भी है कि विंडो के अंदर फ्यूज व्यूज चेक करना जरूरी है, नहीं करते तो फिर यहाँ से चेक करेंगे हम दूसरा वाला विंडो काम करता है या नहीं, तो भी हमें मालूम रहेगा कि करंट का प्रॉब्लम नॉर्मली तो नहीं है, करंट तो मिल रहा है। तो ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। तो अभी यहाँ पे मैंने पावर विंडो का कपलर निकाल दिया है, वहाँ पे सीरीज लगाया हुआ है। यहाँ से मैं बटन ऑपरेट करता हूँ तो आप देखोगे नीचे की ओर पुश करता हूँ तो कोई बल्ब के अंदर सीरीज के अंदर लाइट नहीं जलता है, अप करूँगा तो जल रहा है लाइट, यानी कि मशीन को अप पोजिशन में करंट मिलता है, डाउन पोजिशन में करंट मिलता नहीं है। तो ये स्विच का ही दिक्कत लगता है ज़्यादातर, क्योंकि वायर तो दो ही रहते हैं यहाँ स्विच से वहाँ पे, और एक नॉर्मली आप ये स्विच को ऑपरेट करोगे उसके अंदर जो महसूस मिलेगा आपको वो इसके अंदर नहीं मिलेगा महसूस। तो मैं आपको स्विच खोल के न्यू डालने वाला हूँ, दिखाता हूँ। उनो मिंडा का न्यू स्विच लेके आया हूँ फ्रेंड्स मैं, तो अल्टो 800 का ही है और इस तरीके का स्विच रहेगा। तो सबसे पहले ये स्विच निकालना है और उसके बाद में ये स्विच डालना है, ठीक है। ये स्विच खोलने के लिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ओपन करना है, यहाँ से हल्के से दो लॉक रहते हैं इस तरीके और दो उस तरफ, ये लॉक है फ्रेंड्स। अगर हम ऊपर से या नीचे से करेंगे तो ये टूट जाएगा, और ये कपलर निकालना है। और ये कपलर निकालने के लिए यहाँ पे एक उसको पुश करना रहता है तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये स्विच आएगा पूरा लेफ्ट राइट का साथ में आएगा, अलग से नहीं मिलेगा ये। तो ये न्यू वाला लाओ, तो ये न्यू वाला है फ्रेंड्स। तो ये न्यू वाला चेंज करने वाले हैं, तो ये फीडिंग करते हैं। कपलर को बिठाना रहता है फ्रेंड्स, आराम से बैठ गए। अब इसको बाहर ही रखते हैं और चेक करते हैं राइट साइड का पहले। तो ये तो परफेक्ट ही था लेकिन फिर भी काम करा है कि नहीं, क्योंकि न्यू स्विच में कई बार प्रॉब्लम होता है। और ये लेफ्ट साइड का, तो फ्रेंड्स विंडो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने कपलर निकाला हुआ है, बल्ब जल रहा है, एकदम परफेक्ट है। अब इसको स्विच को बिठा देते हैं तो आराम से बिठ गए, और ये कपलर निकाल के डालते हैं सॉकेट पावर विंडो के मोटर के अंदर। तो कपलर बिठा दिया है पावर विंडो के अंदर और अब मैं यहाँ से स्विच ऑपरेट करता हूँ फ्रेंड्स, दोनों साथ में दिखाने की कोशिश है। तो कंप्लीट काम कर रहा है, तो एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स, स्विच भी एकदम स्मूथली है, तो सही तरीके से काम करा एकदम। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स ये स्विच के अंदर ही दिक्कत आती है, और ये स्विच का प्राइस है आफ्टर मार्केट आप देख सकते हो 450 के आसपास, और ये राइट साइड का भी विंडो परफेक्ट है। तो ज़्यादातर दो ही दिक्कत होती है, एक इसका स्विच बिगड़ता है या मोटर। तो फ्रेंड्स हमने न्यू स्विच डाल दिया है
परफेक्ट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मोरी मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।